सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसी जगह विच इज नोन बाय द नेम ऑफ हीरा ग्रुप। दरअसल हीरा ग्रुप अपने आप में एक ऐसा समूह है, एक ऐसा ग्रुप है जिसकी शाखाएं बहुत बड़ी हैं, बहुत विशाल हैं, बहुत फैली हुई हैं। और जो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इस ग्रुप का अपना मिनरल वाटर प्लांट है, अपना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गोल्ड बिजनेस है, उसके अलावा दे आर ऑल्सो एंट्रिंग इन टू द टेक्सटाइल मार्केट। इनका अपना टेक्सटाइल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस भी है, और इसके अलावा भी इसके अपने बहुत सारे अलग अलग तरह के बिजनेस हैं। और आज हीरा ग्रुप ने यहां अपनी एग्जीबिशन लगाई है, और ये दिखाना चाहता है हीरा ग्रुप कि व्हाट दे आर डूइंग एग्जैक्टली, और वो किस किस फील्ड में अपना परचम लहरा रहे हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं हीरा ग्रुप की एग्जीबिशन। एंड नाउ आई हैव गेन्ड एंट्री इनसाइड दिस एग्जीबिशन, एंड व्हाट आई कैन सी हियर इज द हीरा गोल्ड एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। This is one of the part of this group. This is Heera Gold Export and Imports. And besides this, इसके अलावा हमारे पास है, this is Heera Finance Private Limited. And this is the finance company which is financing to the general people, to the general public. लेकिन ये किस तरह से अलग है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर चलेंगे और जानेंगे कि आखिर फाइनेंस डिपार्टमेंट है ये किस तरह से वर्क करता है। सो मेरे साथ है डॉक्टर रिजवान शेख। दिस इज मिस्टर रिजवान शेख विद मी। फाइनेंस का अगर हम नाम सुनते हैं तो इंटरेस्ट हमारे माइंड में आता है कि इंटरेस्ट इसके साथ जुड़ा होगा। तो जैसा कि मुझे पता लगा है, जो हीरा ग्रुप का सारा बिजनेस है वो इंटरेस्ट उसके अंदर कहीं से कहीं तक नहीं होता, तो थोड़ा सा मुझे बताएंगे ये कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से आप फाइनेंस करते हैं, इंटरेस्ट कहीं नहीं होता। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तआला सुभान तआला ने कुरान पाक में फरमाया है कि इंटरेस्ट हराम है, रिबा हराम है, और रिबा में जो भी मुलविज होता है अल्लाह तआला ऐलान जंग का ऐलान करता है उनके साथ में कि मेरा ऐलान जंग है मेरे और मेरे रसूल का जो इंटरेस्ट में मुलविज होता है। हीरा फाइनेंस से बात को जाना और इसके ऊपर एक वर्क करके एक ऐसी एक चीज बनाई है जिसमें रिबा को हम पूरे देश से हमारे देश से मिटा दें। ये रिबा क्या है, रिबा का थोड़ा मुझे बताया है। इंटरेस्ट होता है जो रिबा इज द अरबिक वर्ड विच मीन्स इंटरेस्ट। जी हाँ, ये अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है इंटरेस्ट, जो हम हमारे समाज में से इंटरेस्ट को मिटाना चाहते हैं। ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है, और उसके लिए हमारे आपा आलिमा शेख नवेरा ने जद्दोजहद की है, और ये इंटरेस्ट को मिटाने के लिए हमारी कोशिश चालू है। वैसे 18 साल से बिना इंटरेस्ट फ्री लोगों को लोन दिया करती है और आज भी दे रही है। हमने ये जो हीरा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेके चालू की है, और जून के महीने से सबको इंटरेस्ट फ्री लोन देगी। हीरा ग्रुप व्यापार जगत से जुड़ा एक ऐसा नाम जो एक महिला द्वारा स्थापित किया गया है। हैदराबाद की नोहीरा शेख द्वारा स्थापित ये ग्रुप आज एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां ये अपनी पहचान का मोहताज नहीं है। इस ग्रुप की फाइनेंस सेक्टर की खासियत ये है कि ये ग्राहकों को कुछ निश्चित शर्तों पर इंटरेस्ट फ्री लोन की सुविधा भी मुहैया करा रहा है। हीरा ग्रुप में गोल्ड का आयात दक्षिण अफ्रीका के शहर घाना से करके उसे विश्व के दूसरे शहरों में निर्यात किया जाता है। गोल्ड के आयात और निर्यात में ये एक ऐसा सर्वोत्तम प्रमाण है जो एक महिला की उपलब्धि को पूरे विश्व में जता रहा है। आफ्टर हीरा गोल्ड एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, अब इसके जो दूसरा स्टॉल है वो है हीरा ज्वेलर्स का, तो थोड़ा सा हीरा ज्वेलर्स भी हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। सो दिस इज द स्टॉल ऑफ हीरा ज्वेलर्स।
हैं मिसेस तहसीन राणा जो इंचार्ज है इस स्टॉल की, हम थोड़ा सा जानते हैं उनसे। यहाँ पर बहुत खूबसूरत डिजाइन यहाँ दिख रहे हैं, थोड़ा सा मुझे बताइए इन डिजाइन के बारे में। जो डिजाइन वगैरह है इसमें, जो आपने गोल्ड यूज किया है आपने इसमें, मुझे काफी अच्छी क्वालिटी के ये दिख रहे हैं, थोड़ा सा बताइए इनकी क्वालिटी। हम लोग जो भी क्वालिटी लगाते हैं ना प्योर लगाते हैं, ओरिजिनल है। जो भी इमराल्ड है, रूबी है, पोलकी है, अलमास है, चकड़ी है, पूरे ओरिजिनल है। जो भी वर्क होता है हमारा एंटिक वर्क के ऊपर पूरा कारोबार है। क्या ये आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है? हमारी अपनी है। लेकिन इसके अंदर जो ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, क्या आपके पास अपने डिजाइनर्स वगैरह भी हैं जो इस सबको डिजाइन करते हैं और उसके बाद फिर उस थॉट को इस तरह से गोल्ड ज्वेलरी में उतारते हैं? जी हमारे पास डिजाइनर भी है, हमारे को जो डिजाइन करके हम लोग देते हैं। और ये जो है, ये जो स्टोन वर्क है इसको कुंदन वर्क बोला जाता है, ठीक है। ये कुंदन, हाँ ये कुंदन है। और इसका हैंड का जो ये चारों तरफ दिख रहा है, ये जो वर्क दिख रहा है मीना रूबी है, ये कुंदन वर्क के ऊपर काम किया हुआ है। रूबी का काम बोलते हैं इसको, एंटिक ज्वेलरी बोलते हैं। ये बीच में जो नग लगाया हुआ है, पोटा है, रूबी का पोटा है। और ये पूरा एंटिक वर्क है। न सिर्फ ज्वेलरी के क्षेत्र में बल्कि गोल्ड रिटेल, फाइनेंस, टेक्सटाइल, मिनरल वाटर के क्षेत्र में भी अपनी एक पहचान बना चुका है। हीरा ग्रुप की मैक्सिमम जो है अपनी ओन मैन्युफैक्चरिंग भी है और इसके अलावा इनके अपने डिजाइनर्स भी हैं। इसके अलावा दूसरे जो इनके और दूसरे कारोबार है जिसके और दूसरे स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो चलिए उनको भी चलकर एक्सप्लोर करते हैं। And now I'm there at the Heera Fancy World. This is Heera Fancy World. और इसके अंदर जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ कुछ bags हैं। Bags के अलावा this is the artificial jewellery what in which Heera Fancy World deals in. तो हमारे साथ है मिस्टर हुदा जो इंचार्ज है इस पर्टिकुलर सेक्शन के। थोड़ा सा हमें बताइए इस सेक्शन बारे में, ये आपका किस तरह का बिजनेस है और इसके अंदर आप क्या क्या रखते हैं और किस तरह से आप, कहाँ कहाँ आपके स्टोर्स हैं, क्या है, थोड़ा सा मुझे बताइए। स्टोर हमारा हैदराबाद में है। और ये हैदराबाद में कहाँ? हैदराबाद में मासब टैंक में है। ओके। जी और हमारा जितना आइटम है ये सब अब्रॉड से आता है, दुबई से, चाइना से। पर्टिकुलर इस सेक्शन में, इस बिजनेस में आप जो भी डील करते हैं वो सब आपका इम्पोर्टेड स्टफ होता है? इम्पोर्टेड स्टफ होता है आपका? जी हाँ जी। इसमें आपका इस स्टफ में क्या क्या होता है और क्या क्या आप इसमें डील करते हैं? आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, फैंसी ज्वेलरी है, स्टोन की ज्वेलरी है, और भी बहुत सारे नेकलेस है, इयररिंग्स है, बैग्स है, फैंसी बैग्स है। और सेक्शन भी है इनका बाय द नेम ऑफ हीरा टेक्सटाइल्स, थोड़ा सा आप मुझे उसके बारे में कुछ बताएंगे और दिखाएंगे क्या आप मुझे उसमें? नाउ दिस इज हीरा टेक्सटाइल्स, दिस इज अनदर बिजनेस ऑफ हीरा ग्रुप बाय द नेम ऑफ हीरा टेक्सटाइल्स। इसमें जो मुझे दिख रहा है दिस इज द हैंडलूम एंड बिसाइड दिस व्हाट आई कैन सी हियर दीज आर द ब्लैंकेट्स हैं, हैंडलूम्स हैं। और इसके अलावा भी क्या आपका कुछ अपन हीरा टेक्सटाइल में कुछ और भी आप अपना मैन्युफैक्चर करते हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं? नहीं, ये यही अभी हमारा एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट यही दो रहा है, अब्रॉड में पूरी जगह एक्सपोर्ट। क्या इसका आपका अपना मैन्युफैक्चरिंग है? हाँ जी हाँ, ये हमारा ओन मैन्युफैक्चरिंग। अपना मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर? चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होता है, चाइना से मैन्युफैक्चरिंग होता है, दुबई से फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। टेक्सटाइल के क्षेत्र में भारत के पड़ोसी देश
चाइना से आयात करके उसे वेस्टर्न कंट्रीज में निर्यात किया जाता है। And after exploring this Heera textiles, now we have one more section by the name of Heera Ice Drop. Heera Ice Drop, this is a new born child of this company, and this company, this Heera Ice Drop is gonna be launched very soon. इसके अंदर जो इन लोगों ने अपने यहाँ क्वांटिटी रखी है वो रखी है 20 liters, 2 liters, 1 liter, 500 ml. मोहम्मद अब्दुल शाहजहां मोहम्मद अब्दुल शाहजहां मिस्टर शाहजहां थोड़ा सा मुझे आप बताएंगे इस हीरा आइस ड्रॉप के बारे में। ये एक जो कंपनी है मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो उन ब्रांड्स के साथ साथ आपका जो ये हीरा आइस ड्रॉप है वो किस तरह से ब्रांड मैनेज करेगा अपना, किस तरह इसकी जो क्वालिटी होगी, इसका लेवल किस तरह से क्या रहेगा बताएं। हम लोग के पास 3 तरह का प्योरीफाइड होता है, 2 टाइप्स ऑफ फिल्टरिंग होता है। उसके होने के बाद हम लोग लैब पे देते हैं, लैब के अप्रूवल के बाद हम लोग मार्केट में रिलीज करते हैं बॉटल्स। मिनरल वाटर के क्षेत्र में इसकी नई शुरुआत है। And after this Heera ice drops, we have another section by the name of Atwahid Dawa Center. I don't know what is this Atwahid Dawa Center and what it does. So let's go to the center and let's ask them that what it does or kya hai ye Atwahid Dawa Center. I am the founder and vice president, co-founder and vice president of Atwahid International Dawa Center for Women. Could you please tell me like what does Atwahid Dawa International Dawa Center does? See, this was established to propagate the knowledge of Islam to Muslim women. Thank you very much. And after this, gonna be an Islamic International School also, an Islamic International University also. So let's go and check out. And now with me is Miss Jewelleria, who is one of the representative of Heera Group. I'll just start off with the exhibition and go through the entire Heera Group of companies. We will begin here with Jamia Niswa, which is the institution established by Alima Nowheera Shaik. Which aims at educating the girls qualify in Quran and Hadith, and we do provide them a degree of SSC as well in our institution. नोहीरा शेख जो इस फिल्म की मैनेजिंग डायरेक्टर है, न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं। नोहीरा शेख द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में भी एक नया प्रयास किया गया है जो महिलाओं की उन्नति के रास्ते में मील का पत्थर साबित होगा। जहां भारत में महिलाओं की उन्नति और विकास के लिए सरकार इतने कदम उठा रही है, वहीं नोहीरा शेख का ये प्रयास सराहनीय है। वो एक ऐसे संस्था की स्थापना कर चुकी हैं, जो महिलाओं को मुफ्त शिक्षा के साथ साथ किताबें व भोजन की सुविधा भी दे रहा है। इस संस्था की विशेषता ये है कि न सिर्फ प्राथमिक बल्कि उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा का ज्ञान भी छात्रों को दिया जा रहा है।